दशहरा क्या कहानी क्या है दशहरा बताया नेचुरल स्टार नानी आए कैसा है एक्शन एक्चुअली अच्छा है सही है अच्छा है देखना चाहिए लोगों ने कैसी है पिक्चर दशहरा नेचुरल स्टार नानी अच्छा 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 है कहानी कैसी है पिक्चर की हाँ है थोड़ा शुरू में मतलब थोड़ा स्लो है उसके बाद अच्छा है ओके काफी साउथ के रिपोर्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आपने हिंदी में देखी है कैसी लगी अच्छी 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 लगी अच्छी देखनी चाहिए हिंदी दर्शकों देखनी चाहिए देखनी चाहिए देखनी चाहिए ओके अच्छी ठीक अच्छी है नेचुरल स्टार नानी आए है यहाँ पे हिंदी में पिक्चर लेके आए कहानी कैसी अच्छा लगा साउथ का सब म्यूजिक टाइम पास किया था और कुछ काम अच्छा किया बहुत बढ़िया नानी ने और हीरोइन कैसी लग रही है कीर्ति सुरेश है वहाँ की वैनिला जिसका नाम था नेचुरल ब्यूटी बोलते नेचुरल ब्यूटी लग रही देखना चाहिए हिंदी के दर्शकों ने पिक्चर एक बार तो देखना चाहिए एक बार सच में साउथ का अलग ही मूवी रहता है टाइम पास रहता है अपने को हां ट्रेलर आया था तो पुष्पा के साथ में काफी कंपैरिजन हो रहा था क्या लगा आपको देख के पुष्पा के जैसे कुछ पुष्पा या आप कांता का लास्ट वाइट कांता का याद आता है जी 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 लुंगी में आया है एकदम रॉ है पीडी याद आता है उसे याद आता है कांता का पिक्चर आप बोलो या बाहुबली में जो हथियार उठाने की सारी वो सब याद आता है लेकिन चलो चलता है वो सब इतना सब तो चलता है थोड़ा बहुत अच्छा पिक्चर थोड़ा एक बार देखना है एक बार देंगे पांच में से अगर मैं पूछूं कितने मिलेंगे आपकी तरफ तीन ओके स्टार नानी एकदम बकवास पिक्चर बकवास है बहुत बकवास है नहीं यार बहुत ज़्यादा बकवास है मतलब हर पाँच मिनट के बाद गाना हर पाँच मिनट के बाद गाना पैथेटिक और एक्शन सीन सिर्फ ट्रेलर में ही है मूवी में सिर्फ आखिरी में क्लाइमेक्स में दैट्स इट ओके ओके कीर्ति सुरेश है वहाँ की नहीं नहीं कुछ भी नहीं है यार बेकार है वैनिला वैनिला नाम यस मतलब हर पाँच से दस मिनट में एक बेकार का गाना है जो आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर देगा यार एंड एक्शन के सीन पे कुछ भी नहीं है सिर्फ लास्ट में जो भी एक्शन है बहुत बेकार मूवी है ओ माय गॉड साउथ के अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं लेकिन हिंदी का अभी रिपोर्ट ले रहे तो आपसे थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहे या मतलब वो जो एक्सपेक्टेशन लेके गए थे वो पूरा नहीं हो पाई नहीं हो पाए डेफिनेटली नहीं एक्शन कैसा किया नेचुरल स्टार नानी ने एक्शन अच्छा है क्लाइमेक्स इज गुड बट स्टार्टिंग से लेके मतलब आप पूरा बोर हो जाओ एक क्लाइमेक्स के लिए मूवी देखना है बेकार है ओके ओके कहानी क्या है दशहरा नाम दिया है पिक्चर का कहानी कुछ दशहरा से रिलेटेड नहीं है क्लाइमेक्स इज रिलेटेड टू दशहरा बस दैट्स इट बाकी और कुछ भी नहीं है मतलब गांव की कहानी है पुष्पा से काफी कंपेयर कर रहे थे नानी पुष्पा इज अनदर लेवल मतलब पुष्पा का 5% भी नहीं है ये मूवी 5% भी नहीं है बहुत बुरी मूवी है बहुत घटिया मूवी है मतलब नानी की सबसे बेस्ट मूवी अभी तक मक्खी थी दैट्स इट उसके बाद अभी तक कोई भी मूवी अच्छी नहीं है एकदम बेकार मूवी बनाई है ये अगर आप खुद देखोगे ना मतलब मेरे आस पास जो लोग बैठे थे इंटरवल में उठ के चले गए 3-4 कितनी बेकार मूवी है दशहरा अच्छा काम किया नानी ने बहुत अच्छा काम किया भाई मजा आया पैसा वसूल हुआ है पैसा वसूल पॉपकॉर्न के साथ में ओके कैसे है क्या कहानी कैसी कहानी एक नंबर है देखने में मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा ओके कैसी है पिक्चर दशहरा अच्छी है आपको कैसी लगी बहुत बढ़िया नेचुरल स्टार नानी पहली बार डेब्यू किया है उन्होंने हिंदी में अच्छी है कैसी है दशहरा बहुत अच्छी लगी फिल्म बहुत ही अच्छा हीरो है और एक फंटास्टिक एक साउथ इंडियन का मूवी एक नंबर मूवी है ओके नेचुरल स्टार नानी ने डेब्यू किया है हिंदी में हाँ दशहरा लेके आए डबिंग कैसी थी पिक्चर की गाने कैसे थे डबिंग गाना है सुपर हिट एक नंबर मूवी अच्छा और हीरोइन कैसी लगी कीर्ति सुरेश भी सही एक नंबर काम भी एक नंबर है मेरे को बहुत दशहरा दिया है कहानी क्या है कैसी है कहानी बहुत अच्छी है कहानी बहुत दशहरे की अच्छी है बहुत अच्छी पिक्चर एक्शन है एक्शन एक्शन तो एक नंबर है अच्छा एक्शन एक नंबर पैसा वसूल किया पैसा वसूल डबल वसूल ओके नेचुरल स्टार नानी की दशहरा देखी आपने कैसी लगी फर्स्ट ऑफ ऑल वन वर्ड रिव्यू इट्स अ ऑल टाइम मल्टी सुपर ब्लॉकबस्टर ओके धमाका सुपर नेचुरल स्टार नानी ने कर दिया क्या धमाका क्या एंट्री क्या मैं दंग रह गया ये देख के इवन द सॉन्ग्स वाज सुपर इवन द हिंदी डब में जो शरद केलकर ने जो डबिंग किया इट्स अ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मूवी एक्चुअली 2022 से इसका जब मैंने सुना अनाउंसमेंट तब से मैं एकदम क्रेज में था okay, और जब मैं ट्रेलर आया था तो पुष्पा के साथ में केजीएफ के साथ में बहुत कंपैरिजन हो रहा था yes. क्या लगा पिक्चर देख के कोई कंपैरिजन नहीं मींस पूरा 90s के टाइम का जो विलेजेस का जो एकदम सीनरी था इट वॉज अ ग्रेट VFX इज ग्रेट एंड एक्शन इज ऑल्सो ग्रेट नानीज एक्शन शाइन टॉम चक्को एंड कीर्ति सुरेश उनका कैरेक्टर तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर
इवन साई कुमार सर जो इसमें एज अ राजन्ना का कैरेक्टर किया, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया. बट दिस फिल्म डिजर्व बेस्ट ब्लॉकबस्टर अवार्ड. ब्लॉकबस्टर है, यस, ऑल टाइम स्टार. मैं से दसरा, मैं से हिट नहीं, सुपर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर नहीं, ऑल टाइम सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर को कहा फिल्म को. टाइम सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर. यस, हिंदी ऑडियंस है आप, हिंदी में देखिए कोई डायलॉग कैसे है, कोई डायलॉग याद आ रहा है? डायलॉग तो मीन्स एक ही याद आ रहा है कि जो होगा देखा जाएगा. बट इसमें एक मैसेज है, वी शुड टू रिस्पेक्ट अवर वुमेन्स. ओके, अगर आप अगर हमारे औरतों पे हमला होगा तो हमें भी राम की तरह बनना पड़ेगा. ओके, ये मैसेज के साथ में नेचुरल स्टार नानी ने पिक्चर ले गया. यस, करेक्ट. ओके, क्या लग रहा है कि दूसरा दिन है आज, ऑडियंस थोड़ी कम थी? वर्किंग डे की वजह से. ओके, ऑक्यूपेंसी कम लगी आपको? यस, कल और परसों का जो दिन है बहुत अच्छा जाएगा. अच्छा, चलेगी पिक्चर लग रहा है? सुपर हिट चलेगी, क्लैश है बट ये चलेगी जरूर. चलेगी जरूर जरूर. नेचुरल स्टार नानी लेके आए, सुपर स्टार. हाँ, एकदम बहुत अच्छी, एकदम सुपर हिट. सुपर हिट पिक्चर है. कहानी कैसी है पिक्चर का? नाम दसरा दिया. एक दो दसरा जैसा एक आम इंसान, एक जैसे मूवी के हिसाब से जैसे पिक्चर बनाई है तो बता नहीं सकते हम. जी, काम कैसा है, एक्टर का काम कैसा है, नानी का काम कैसा है? नानी जी के तो हम बहुत बड़े फैन है. अच्छा, बहुत अच्छी सारी फिल्में देखी है हम, सबकी मूवी से लेके. मक्खी भी बहुत अच्छी मूवी है उनकी. जी, एकदम उनको देखने के लिए जाते हैं. ओके, कि हर एक उनके रोमांटिक, उनका जो एक्टिंग है, एक बोलने के कोई शब्द नहीं है. करेक्ट करेक्ट. उनके साथ में हीरोइन में कीर्ति सुरेश है, सर सूर्य, उनके भी बहुत अच्छे रोल, भी बहुत अच्छे है. काम अच्छा किया एकदम, बहुत पैसा वसूल किया. नेचुरल स्टार नानी की पिक्चर दसरा. बॉलीवुड मूवी देखते हैं हम, उतनी रोमांटिक नहीं लगती जितनी साउथ की लगती है. रोमांटिक वो स्टोरी डालते हैं उसमें. जी, कहानी है इसमें, बहुत आगे रखेगी आपको. बहुत अच्छी है, थोड़ी लंबी पिक्चर है, एक घंटे ढाई घंटे के ऊपर की है. बहुत अच्छी मूवी है, पसंद आई एकदम, बहुत. ओके, दसरा देखिए आपने. नेचुरल स्टार नानी की कैसे लगी आपको? अच्छी है, एंटरटेनर है, टाइम पास पिक्चर है, देखी जा सकती है. एक्शन भी जबरदस्त है उसका. एक्शन जबरदस्त किया है. हाँ, नानी ने. हाँ, ओके, उनका हाँ, जो टाइटल है नेचुरल स्टार नानी, पर्दे पे देख के कैसे लगे? नेचुरल लगे. हाँ, नेचुरल लगा. उसका जो कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग जो उसके सिचुएशन चेंज होती है उस हिसाब से वो अपने मूड चेंज करता है. इमोशंस, लव सीन और सब अलग अलग जो डिफरेंट मूड उसके बनते हैं उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस अच्छा था. ये पिक्चर का नाम दसरा दिया है, कहानी क्या है पिक्चर? कहानी काफ़ी लोग बोल रहे थे, मैंने भी सुना था कि पुष्पा KGF से थोड़ा कंपैरिजन हो रहा था, बट वैसा कुछ है नहीं. मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था बट बाद में पता चला कि कहानी एकदम डिफरेंट है और स्टोरी अच्छी है. थोड़ा सा बताएंगे क्या एग्जैक्टली प्लॉट क्या है पिक्चर में? हाँ, प्लॉट यही है कि मतलब वो गांव में जो जिस गांव में रहते हैं वहाँ पे एक जो बड़े जो लोग होते हैं उनकी अपनी तूती रहती है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाता है तो कुछ ना कुछ एक्शन हीरो को लेना पड़ता है. बस इस टाइप का एक्शन शुरू करते हैं हमारे. हाँ, नानी. ओके, हीरोइन कैसी लग रही है? कीर्ति सुरेश एज वेनेला. हाँ, काम अच्छा है उसका, बहुत बढ़िया काम किया उसने. काम अच्छा किया. डायलॉग कोई याद आ रहा है? हिंदी में डबिंग जो नानी की है इन्होंने की है शरद. हाँ, शरद जी ने की है. डबिंग अच्छी लग रही है? हाँ, डबिंग अच्छी, मैच हो रही है बढ़िया. ओके, डायलॉग कोई याद है? हाँ, डायलॉग तो बहुत सारे हैं, अच्छे हैं. गाने पिक्चर के कितने गाने हैं? मैं ध्यान नहीं दिए बट हैं, सही है, काफी गाने अच्छे हैं. 10-15 मिनट में गाने हैं. हाँ, ओके, एंटरटेन होंगे हमारी हिंदी ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ मैं. आपने हिंदी में देखी है पिक्चर? हाँ, तो हिंदी में तो चलेगी चलेगी, अगर नहीं भी चली तो साउथ में जो नानी के फैन है वो ऑब्वियसली देखेंगे देखेंगे. ओके, पसंद आई आप? हाँ जी. 5 में से कितने मिलेंगे आपकी तरफ से? मैं दसरा के लिए, नानी की दसरा के लिए 3 स्टार दूंगा. 3 स्टार. ओके, थैंक यू. थैंक यू.